तो अभी क्या बताया कि अगर आपको दो रेजिस्टेंसेज गिवन है R1 एंड R2 विद एरर, सीरीज में निकालना है तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, और सीरीज में क्योंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इन दोनों को ऐड करके 25 और इन दोनों को ऐड करके सीधा 1 आंसर आता है। पर अगर पैरेलल में निकालना है तो पैरेलल के अंदर आर ऑफ पी का फॉर्मूला लिखो, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है RP प्लस माइनस डेल्टा RP लेट अस सपोज, या चलो मेरे को ये नहीं निकालना, मैं और इजी कर देता हूँ, सपोज मुझे निकालना है डेल्टा RP डिवाइडेड बाय RP, बस ये निकालना है इसका फ्रैक्शन या परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मुझे ये पता है कि RP की करेक्ट वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूँ, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 15, डिवाइडेड बाय 10 एंड 15 सॉल्व करके कितना आ गया 6, तो RP तो 6 आ गया, क्या निकालना है डेल्टा RP। तो मैंने आपको ये सिखाया था, काफी बुक्स में ऐसे गिवन भी है, R1 इनटू R2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं RS, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिख लिया यहां पर RS, क्योंकि RS का मतलब क्या R1 प्लस R2। फिर मैंने इसमें एरर का रूल लगाया, डेल्टा RP डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 प्लस डेल्टा RS बाय RS, ये फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले में मैंने डेल्टा RP डिवाइडेड बाय RP की वैल्यू को सॉल्व किया, डेल्टा R1 मेरे को पता है कितना है 0.5 है, R1 की वैल्यू मुझे पता है 10 है, डेल्टा R2 0.5 है, R2 की वैल्यू 15 है, यहाँ से डेल्टा RS हमने निकाल रखा है 1 है, और RS की वैल्यू कितनी है 25 है। तो अगर परसेंटेज निकालना है इस पूरे रिजल्ट को 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। प्लीज एक बार कैलकुलेटर यूज करें और मुझे जरा बताएं कि कैलकुलेशन करके इसका कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, चेक करना। कितना है 12%, ओके 12% के आसपास आ रहा है, चेक करो ऑप्शन में 12% सही नहीं है, है ही नहीं पहले तो, और दूसरी बार 12% होता भी तो भी गलत है। काफी बुक्स इसको ऐसे करती हैं, मेरी असाइनमेंट के अंदर भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा मेथड है, पर अगर NCERT की एरर्स का पहला पेज खोलेंगे वो ये मेथड फॉलो नहीं करती, और मेंस वाले और नीट वाले भी NCERT को फॉलो करते हैं। तो आप इसका करेक्ट मेथड लिखें पैरल में करना क्या है, क्योंकि आना है क्वेश्चन पैरल के अंदर। तो पैरल कॉम्बिनेशन में, तो पैरल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर ऑफ पी रेज टू पावर माइनस वन, आर ऑफ वन एंड आर ऑफ टू, ये मैंने लिख लिया। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी टर्म आएगी, कुछ ये रहा, ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो इसकी पावर -2 dR1 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास R2 की टर्म -2 और ये dR2 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी कर लो वो कैंसिल ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा, डी ऑफ RP बाय RP का स्क्वायर, डी ऑफ R1 बाय R1 का स्क्वायर, डी ऑफ R2 बाय R2 का स्क्वायर, या फिर डेल्टा की फॉर्म में डेल्टा RP बाय RP का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर,
इस फॉर्मूले को प्लीज एक बार नोट कर लें, आपकी बुक्स के अंदर ज्यादातर ये फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन है। आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। सीधा फॉर्मूला नोट कर लें। प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉर्मूला चाहिए बस। तो फॉर्मूला नोट करें कैलकुलस को समझाने के लिए कि कैसे आया, आपको तो ना करना है कैलकुलस, तो फॉर्मूला नोट करें। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, परसेंटेज एरर पैरेलल में क्या होगा ये निकालना है। तो R ऑफ P तो 6 आ गया हमारे पास, फॉर्मूला जो करवाया स्ट्रेट वे यूज कर रहे हैं इसमें डेल्टा आर पी की वैल्यू क्या होगी, ये टर्म हमारे पास है ऑलरेडी, ये टर्म ऑलरेडी है, ये वाली टर्म को राइट साइड पर ले जाते हैं तो और सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, डेल्टा आर टू हमें पता है, डेल्टा आर वन हमें पता है, आर वन आर टू हमें पता है, आर पी का यानी कि 6 का स्क्वायर हमें पता है, सॉल्व करके डेल्टा आर पी आ गया, डेल्टा आर पी को आर से डिवाइड करके 6 से डिवाइड करके परसेंटेज की वैल्यू आएगी। तो आज की बात अगर ये पैरल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, इंपॉर्टेंट है ये, और बार बार ये क्वेश्चन आता है।